हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हाई बन हेयर स्टाइल। तो कैसे करना है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा बन बन के रेडी होने वाला है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। किस चीज़ ने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो सबसे पहले आपको ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए अपने बालों को चारों तरफ से इस तरीके से राउंड में करना है, फ्रंट से इस तरीके से पार्टीशन निकाल लेंगे एंड राउंड में इस तरीके से बालों को लेंगे एंड क्राउन एरिया पे एक पोनी बनाएंगे। ओके, अच्छे से कॉम करेंगे। आपको इसी तरीके की हेयर स्टाइल्स की वीडियोज मेरे चैनल पे मिलते रहती हैं। इस तरीके से आपको पोनी बना लेना है। इतना करने के बाद आपको चाहिए एक डोनट बन, देखिए पूरा इस तरीके से राउंड में। राउंड में आपको इस तरीके से करके एक पोनी बना लेनी है। इतना करने के बाद आपको लेना है एक डोनट बन, इस पोनी के वो के साथ आपको ये डोनट बन यूज करना है। ओके, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे एंड आपको करना है इसको यूपिन से सिक्योर, ताकि अपनी जगह से ना हिले। कई बार हम लोग बिना यूपिन से सिक्योर किए ही रबर बैंड को वो कौन सॉरी डोनट बन को हाइट कवर कर देते हैं, बट वैसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा डोनट बन लूज पड़ जाता है बाद में, और हेयर स्टाइल का जो लुक चाहिए होता है हमको वो नहीं मिल पाता है। इस तरीके से चार, कम से कम चार यूपिन चाहिए। ओके, उसके बाद इसको इस तरीके से फैलाना है डोनट बन के ऊपर हेयर को, और एक रबड़ बैंड और लेना है, पतला वाला भी ले सकते हो, मैंने इस तरीके का रबड़ बैंड लिया है। ओके, अब आपको बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करनी है, जो बचे हुए हेयर्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, इस तरीके से चारों तरफ से डोनट बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेटेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। पिन लगाने से क्या होता है कि जैसे हम लोग ये जब हम लोग ये हेयर इसके चारों तरफ लपेट रहे हैं तो हेयर ऊपर से दिख रहा है। अगर आपने पिन पहले नहीं लगाया होता तो क्या होता, ये हेयर जो है वो डोनट बन के अंदर इंसर्ट हो जाते, जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल जो है वो अजीब दिखने लगता है। इस तरीके से करना है और डोनट बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेटना है एंड यू पिन से सिक्योर कर देना है। ओके, तो इतना करने के बाद आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स लेने हैं बालों के एंड डोनट बन के चारों तरफ से लपेटना है। तो फ्रंट का जो हेयर है वो मेरा काफ़ी शॉर्ट है, तो फ्रंट का आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो और चाहो तो इस तरीके से लेके डोनट बन को कवर कर सकते हैं। थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं और इस तरीके से डोनट बन के ऊपर से लपेटते जाना है एंड यू पिन से सिक्योर करते जाना है। इस वाले हेयर स्टाइल में आपको थोड़े से यू पिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप दो तीन पैकेट ले लीजिएगा, लेकिन बन जो है वो काफ़ी प्यारा लगता है। फिर हम लोग नीचे से इतने हाफ पार्ट्स ले लेंगे और साथ के साथ कॉम करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। बस ध्यान दीजिएगा कि स्कैल्प दिखाई ना दे, इस तरीके से डोनट बन के चारों तरफ लपेटते जाएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, अगेन यहाँ से हेयर को छोड़ देंगे एंड ऊपर की तरफ इसको कॉम करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्कैल्प दिखाई ना दे। Thank you.
इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए, जैसे बेबी हेयर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप यूज कर सकते हो सेटिंग स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे। अब इस साइड के हेयर को लेंगे, जो हमारे हेयर निकल रहे हैं इनको छोड़ देंगे, बाकी सारे हेयर को एक साथ ले लेंगे। अगर आपके लंबे बाल होंगे तो ये नहीं भी निकलेंगे, अच्छे से कॉम करना है एंड पूरा क्लीन लुक देते हुए डोनट बन के चारों तरफ हेयर को लपेट देंगे और काफ़ी प्यारा सा हाई बन बन के हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ऑफिस वेयर के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा लुक है ये। एंड जो ये हमारे बैंग्स कटे हुए हैं ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्टाइलिश लग रहे हैं, तो इसको आप इसी तरीके से छोड़ सकते हो या फिर आप चाहो तो बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर कर सकते हो। तो बहुत ही इजी तरीके से आप ये बहुत ही प्यारा सा बन बना के रेडी कर सकते हो। जो इसका लुक है ये काफ़ी अच्छा लगता है, नाइस। अब इसको आप सिक्योर करने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स निकल रहे हैं, आपको बैक से बहुत बेकार लग रहा है, तो आप ले सकते हो सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे को डायरेक्ट कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि सेटिंग स्प्रे डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाने से हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स जो होती है वो बढ़ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि सेटिंग स्प्रे को कभी भी डायरेक्ट अपने बालों पे स्प्रे ना करें, कॉम पे स्प्रे करें या फिर हाथों पे स्प्रे करें एंड देन आप अपने बालों को सेट करिए। दे रही हूँ, देन सेटिंग स्प्रे को इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी एंड आप देखोगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बालों का जो भी हमारा प्रॉब्लम है बेबी हेयर्स का उसको क्लीन कर देता है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज कीजिए, ज़्यादा यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके तो ये हो गया, आपको एक दो यूपिन्स की ज़रूरत और लगे तो आप लगा लो पूरा अच्छा लुक के लिए। इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो गजरे वगैरह से, पार्टी वेयर के लिए, वेडिंग के लिए। काफ़ी प्यारा सा बन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये है बन का फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगा गाइस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे और यूपिन की नीड है, तो मैं और यूपिन यहाँ पे लगा ले लूँगी। आपको लगे कि आपके लिए काफ़ी है, मेरे जैसे बाल फ्रंट के बहुत शॉर्ट हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो मेरे बाल काफ़ी शॉर्ट हैं जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा यूपिन की ज़रूरत पड़ रही है। बट आपके अगर लॉन्ग होंगे तो बहुत ईजिली आप बना लोगे और आपको यूपिन भी इतने ज़्यादा नहीं ऐड करने पड़ेंगे। तो कैसा लग रहा है आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और फ्रंट में इस तरीके से नीचे की तरफ से लुक दे सकते हो, जिससे और भी प्यारा लुक आ जाएगा आपके बालों का। बाय बाय। तो फाइनल लुक खुद से बना सकते हो, काफ़ी क्लीन लुक आता है, तो कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए, ऑफिस जाने वाली लड़कियों के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा हेयर स्टाइल। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो देख के ट्राई जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।